नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मसूरी टूर के बारे में। मसूरी कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और मसूरी घूमने में कितना खर्चा आ सकता है। इस वीडियो में आपको मसूरी टूर के बारे में सभी जानकारी डिटेल में बताई जाएंगी, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर भारत में घूमने के लिए मसूरी एक शानदार और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मसूरी की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मसूरी को पहाड़ों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स का टाइटल प्राप्त है। मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है। मसूरी शहर को 1825 में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक यंग ने बसाया था। फ्रेडरिक को यहाँ की जलवायु और मौसम इंग्लैंड जैसा लगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ बसने का निश्चय किया। अंग्रेजों द्वारा बसाए गए सभी प्रमुख शहरों की तरह यहाँ का भी मुख्य बाजार माल के नाम से जाना जाता है। मसूरी का माल रोड पूरब में पिक्चर पैलेस से लेकर पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी तक जाता है। ब्रिटिश काल में मसूरी की माल रोड पर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी भारतीय और कुत्तों को इजाजत नहीं। इस प्रकार के जातीय चिन्ह अंग्रेजों की मानसिकता का परिचय देते हुए उनके द्वारा बसाए गए सभी शहरों में देखने को मिल जाते थे। अप्रैल 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद धर्मगुरु दलाई लामा मसूरी आए और उन्होंने यहीं पर तिब्बत निर्वासित सरकार बनाई, जो बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित हो गई। मसूरी में ही प्रथम तिब्बती स्कूल 1960 में खुला था और आज भी लगभग 6000 तिब्बती लोग मसूरी के हैप्पी वैली में निवास करते हैं। मसूरी का नाम यहां पर पाई जाने वाली एक प्रकार की घास मंसूर के नाम पर पड़ा। मसूरी कैसे पहुंचें? मसूरी पहुंचने के लिए आपके पास हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मसूरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रंट एयरपोर्ट है, जो मसूरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से जॉली ग्रंट एयरपोर्ट पहुंचने के लिए फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास की टिकट लगभग 2500 यानी 2500 रुपये की पड़ेगी। जॉली ग्रंट एयरपोर्ट से मसूरी पहुंचने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, जो आपसे 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक चार्ज करेगी। अगर आप ट्रेन के जरिए मसूरी आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। मसूरी का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन देहरादून का ही है। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जैसे सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन का किराया 250 रुपये है। रेलवे स्टेशन से मसूरी पहुंचने के लिए आपको बस टैक्सी मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से बस आपको 100 रुपये में मसूरी ड्रॉप कर देगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक वो चार्ज करेगी, और अगर आप शेयर्ड टैक्सी करते हैं तो 300 रुपये में आप देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी पहुँच जाएंगे। यदि आप फ्लाइट या ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं तो आप बाई रोड भी मसूरी पहुँच सकते हैं। दिल्ली से आपको डायरेक्ट मसूरी के लिए वॉल्वो बस और ऑर्डिनरी बस आपको दोनों ही मिल जाएंगी। वॉल्वो बस का किराया 600 रुपये है, वहीं ऑर्डिनरी बस का किराया 440 रुपये पड़ेगा। ऑर्डिनरी बस की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है, जिसके लिए www.utconline.gov.in वेबसाइट से बस बुक कर सकते हैं। मसूरी में ठहरने की व्यवस्था। मसूरी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको देखना होता है कि कहां पे रुका जाए, कहां पे स्टे किया जाए। मसूरी में अगर प्राइवेट होटल्स की बात करें तो 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के होटल मिल जाते हैं। इन होटल्स की प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 500 से 800 रुपये तक आसानी से होटल मिल जाएंगे। वहीं अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, जैसे अप्रैल, मई या जून में, तो यही होटल आपको 2000 रुपये तक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और कम पैसे में मसूरी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर दो प्रमुख धर्मशालाएँ भी हैं। एक है आर्य समाज मंदिर की धर्मशाला, यह एक मंदिर है जहाँ पर आप 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। दूसरी धर्मशाला है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, यहाँ पर अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। गुरुद्वारे में आपको एक बड़े से हॉल में रुकने की व्यवस्था मिलेगी। गुरुद्वारे में 50 रुपये आपको अलग से पे करना पड़ेगा, बिस्तर, तकिया, चादर, इन सब के लिए। इस गुरुद्वारे में रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आपको 600 से 1000 रुपये में रूम मिल जाएगा। इस रूम में 4 लोगों के रुकने की परमिशन मिल जाती है। ये दोनों ही धर्मशालाएँ मसूरी बस स्टैंड के पास में ही हैं। मसूरी में टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं मसूरी में टूरिस्ट प्लेसेस की। मसूरी लेक देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से विकसित किया गया मसूरी लेक हाल ही में बनाया गया एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। देहरादून से मसूरी आते समय मसूरी से 6 किलोमीटर पहले ही यह लेक स्थित है। यहाँ कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रुकना तो बनता है। आप चाहें तो यहाँ पैडल बोट राइड कर सकते हैं और यहाँ से घाटी का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ हरे भरे जंगलों के बीच बोटिंग करने का अलग ही मज़ा है। बोटिंग के जरिए आप झील के हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यकीन मानिए, ये आपका बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील के किनारे आवास बनाए गए हैं, जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं।
मसूरी लेक की एंट्री फीस 15 रुपए है और बोटिंग का चार्ज आपको अलग से 70 रुपए देना पड़ेगा। केम्पटी फॉल यमुनोत्री रोड पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर राम गांव में स्थित केम्पटी फॉल मसूरी आने वाले टूरिस्ट के बीच सबसे फेमस जगह है। यह वाटरफॉल करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और फिर 5 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। यहां आपको हर वक्त पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। आप चाहें तो यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी जा सकते हैं। केम्पटी फॉल तक पहुँचने के लिए आपको मेन सड़क से नीचे उतरना पड़ता है। आप चाहें तो सीढ़ियों के द्वारा चल के नीचे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा रोपवे की भी सुविधा है। 120 रुपए में आपको रोपवे के द्वारा जाना और आना दोनों हो जाता है। केम्पटी फॉल में नहाने का मजा ही कुछ और है। अगर आप यहां पर नहाते हैं तो आपको अपना सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएंगे जो आपसे 50 रुपए चार्ज करेंगे। इसके अलावा स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाती है जो आपको 20 रुपए में, और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है जिसका चार्ज 10 रुपए है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज शाम के समय इसी जगह पर कैंप लगाकर चाय की दावत किया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम केम्पटी फॉल पड़ा। गन हिल मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ब्रिटिश काल में यहां प्रतिदिन दोपहर के समय गन से अंधाधुंध फायरिंग की जाती थी जिससे स्थानीय लोगों को समय का पता चल सके। यह समुद्र तल से 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गन हिल पर पहुंचने के बाद आप यहां से दूर के पहाड़ों को देख सकते हैं। गन हिल पे पहाड़ों को देखने के लिए दूरबीन भी लगी है। गन हिल पर बहुत सारी खिलौने की दुकानें हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। गन हिल पर खाने पीने की भी कई दुकानें हैं। अगर आप मसूरी जाते हैं तो गन हिल पर जरूर जाएं। यहां आप बहुत सुकून और आनंद का अनुभव करेंगे। कंपनी गार्डन को म्युनिसिपल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। म्युनिसिपल गार्डन एक खूबसूरत बगीचा है जो मसूरी की हैप्पी वैली में स्थित है। आज़ादी के पहले इसे बोटैनिकल गार्डन कहा जाता था। कंपनी गार्डन के निर्माता विश्वविख्यात भूवैज्ञानिक डॉक्टर एच फॉकनर लोगी थे। उन्होंने 1842 के आसपास इस क्षेत्र को एक सुंदर उद्यान में बदल दिया था। यह गार्डन प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है क्योंकि यहाँ फूलों और पक्षियों की विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस गार्डन में 800 अलग अलग प्रकार के फूल भी हैं। इन फूलों को बेचने के उद्देश्य से लगाया गया है। पेंटूनिया, डहेलिया, पांसी और बेगोनिया जैसे प्रसिद्ध फूल यहाँ पाए जाते हैं। कंपनी गार्डन में हाल ही में बनाई गई एक आर्टिफिशियल लेक में नौका विहार का आनंद भी पर्यटक उठा सकते हैं। इस जगह पर फाउंटेन और हरी भरी घास का मैदान भी स्थित है। पर्यटक यहां तक कार, रिक्शा, घोड़ा और साइकिल किराए पर लेकर सैर करने के लिए जा सकते हैं। कंपनी गार्डन की एंट्री फीस 18 रुपए है और बोटिंग के लिए 75 रुपए अलग से पे करना पड़ेगा। यहां पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हैं जिनकी फीस 20 रुपए है। माल रोड मसूरी के दिल में बसा है। यहां पर हर वक्त टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। आप चाहें तो शाम के वक्त यहां आराम से टहल सकते हैं। शॉपिंग करने का इरादा है तब माल रोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर कपड़े, खिलौने और खाने पीने की कई दुकानें हैं। यह 1-2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो लाइब्रेरी पॉइंट से शुरू होकर पिक्चर पैलेस तक जाता है। बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य लाइब्रेरी पॉइंट से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं। पुराने देवदार के पेड़ों और औषधियों से घिरा हुआ यह अभ्यारण्य एक प्रकृति की सौंदरता को दर्शाता है। इस अभ्यारण्य में पैंथर, तेंदुआ, हिरण, भालू और हिमालयी बकरियों को देखना एक अच्छा अनुभव है। इस अभ्यारण्य की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां की कोई एंट्री फी नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री में यहां विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मसूरी टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।